तो बंद हो जाएगा सबका फिर। सुनने के लिए जब आती है भेल, सुनने के लिए जब आती है भेल, तब सब प्लेटफॉर्म पर फौरन आती है भेल। बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब के संविधान की देश भर में चल रही है मेल। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा की सारे देश भर में चल रही है मेल। संविधान का विरोध करने वालों का बंद कर दे विरोध करने वालों का हम सपना करेंगे। तो आज हमें आनंद है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यकाल से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज की संख्या रेल में है। मतलब अपने एसोसिएशन के माध्यम से आवाज उठाई जाती है, यहाँ अधिकारियों को सुनना ही पड़ता है। हम सब लोग आपके पीछे हैं, आप आगे हैं लेकिन हम पीछे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तब हम आगे होते हैं, तो हम उनको पीछे करते हैं। आगे रहते हैं आप, आप आगे रहते हैं सर। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से जो हमें रिजर्वेशन मिला है, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारा हमको दे दो, हमारा तुम दे दो। हम कोई जो 50% जो रिजर्व सीटें नहीं है, जनरल सीटें है, उसमें हम रुट नहीं करते हैं। उसमें हमको एक भाषा नहीं बोलते हैं। और हमारे से भी कोई तुम मांगोगे तो हमारे से में से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मैं बार बार मांग कर रहा था कि दलित पर अत्याचार के अनेक कारणों में एक कारण है कि दलित को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमको नहीं मिलता है। हमारे समाज में भी गरीब लोग हैं, इसी तरह की भाषा की जाती थी। और मैं अकेला कम से कम 15-16 साल से 20 साल से जब मैं पार्लियामेंट में आया में, तब से मैं मांग कर रहा था कि SC ST और OBC के आरक्षण को धक्का ना लगा कर बचे हुए 50% में सवर्ण हमको 10-15-20% इतना देना है उतना दे दो। और आखिर मैंने NDA की मीटिंग में 3 बार ये मुद्दा उठाया था। मैं जहां भी जाता था वहां भी मैं बोल रहा था कि भाई उन समाज में भी गरीब लोग हैं, और अगर हम अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकराइट है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो रिपब्लिकन पार्टी बनाई, बनाने का उनका संकल्प था, उसमें सभी जाति के धर्म के लोगों को लेने का उनका संकल्प था। और दूसरे को भी मिलेगा तो हमें पूरा नहीं लगना चाहिए। हमारा भाई हमारा कोई छीनने की कोशिश करेगी तो हम कोई ऐसा चुप बैठने वाले नहीं है। आप लोग इतनी ताकतवर हो गए कि कम से कम 3.5 लाख लोग रेल में है, 3.5 लाख लोग एक बार रस्ते में उतर जाएंगे तो पूरे रस्ते बंद हो जाएगी, कोई आगे नहीं जा सकता है। तो हमारी इतनी बड़ी ताकत है, और 4.5 लाख एम्प्लॉय थे, लेकिन अभी कोई भर्ती रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। लेकिन अभी रिक्रूटमेंट हमारे PS गोयल जी है। एक बार मैं कोई आपके प्रॉब्लम हो गई तो उनके साथ उनकी मीटिंग करवाता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के हैं, ट्रांसफर की बातें हैं, बहुत बार अपने लोगों को यहाँ से वहां भेजा जाता है, लेकिन हमें कहां भी भेजा गया तो भी हम जाते हैं, जाते हैं लेकिन फिर फौरन वापस आते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गए तो रोज रेलवे के ट्रांसफर वाले लोग मुझे 50-60 लोग मिलते हैं, इधर ट्रांसफर करो इधर ट्रांसफर करो। मैं बोला कि मैं तुम्हारी ज्यादा ट्रांसफर करते करते मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। मोदी जी के
बाद जो है कंप्लेंट आएगी कि जो उनके ट्रांसफर की पत्र मुझे आते हैं या कोई कोई जगह बोले इतने पत्र दिए जाते हैं, मेरे पास आने वाले लोगों की संख्या रोज 400 500 600 700 लोग होते हैं और मैं सबको पत्र देता हूँ, जहाँ पत्र देने की जरूरी है फोन करने की जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्ता तक पहुँचने के लिए बोला है, अपन अलग से रिपब्लिकन पार्टी के अकेले ताकत से सत्ता पर पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए किसी पार्टी के साथ हमको गठबंधन करना पड़ता है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ भी कई साल रहा और अभी मैं मोदी जी के साथ बीजेपी के साथ मैं हूँ, लेकिन मैं कोई मेरी विचारधारा बदली नहीं है, मेरे हाथ में नीला झंडा है। दूसरे हाथ में संविधान है और मोदी जी संविधान को नमन करते माथा टेकते हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे, लेकिन मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में अच्छा बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो एक चाय बेचने वाला मोदी कभी प्रधानमंत्री ना होता। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान मेरा धर्मग्रंथ है और उसके मुताबिक मैं चलूंगा। बीजेपी विचारधारा विचारक हो सकती है, लेकिन सरकार की जो विचारधारा है बाबा साहब की संविधान विचारधारा है और संविधान बदलने की किसकी हिम्मत नहीं है। अगर कोई संविधान बदलने की कोशिश करे, अगर कोई सरकार बाबा साहब का संविधान बदलने की कोशिश करेगी तो सरकार का सत्यानाश करने की ताकत हमारे समाज में है। संविधान बदलने की कोई बात नहीं है और संविधान कैसा बदल सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें पूरे देश को हक दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू मुस्लिम दलित ईसाई बुद्धिस्ट विचार नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको न्याय देने की कोशिश की। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के अंदर बैठने का मौका नहीं था, सातारा में बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ाई कर रहे थे तब वहां का टीचर बाबा साहब को दरवाजे के बाहर बिठा रहा था, उनको अंदर नहीं लेता था, उनको कभी टच नहीं करता था। वो जमाना चला गया है। अगर आज कोई टीचर हमें स्कूल के बाहर बिठाएगा तो उस टीचर को बाहर निकाल कर हम उनको बाहर बिठाएगी। तो परिवर्तन जो हो रहा है, हम लोगों ने भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ ऐसा नहीं मानना चाहिए। आज अलग अलग जाति के लोग अपने आजू बाजू में बैठते हैं, जब चुनाव आता है तब दलित बस्ती में सबसे ज्यादा नेता लोग आते हैं, खाना खाते हैं और हम आपके साथ में बोलते हैं सभी पार्टी के लोग। आज कम से कम देश भर में 70,000-75,000 से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। हमारे समाज के लोग लड़के लड़कियां, उनके समाज की लड़की लड़कियां बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं। समाज में परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन दो की दलील पर अत्याचार हो रहे हैं। कुछ गांव में आज भी घोड़े पर बैठकर अगर 12 निकाल दे उनको गुस्सा आता है, उनको क्यों गुस्सा आता है, उनको लगता है कि भाई घोड़ा हमारा है घोड़ी हमारी है। और तो हम उठे में घोड़ी हमारी रखो घोड़ा हमारा है। कुछ गांवों में ऐसा होता है,
कुछ गांवों में दलित को सपोर्ट करने वाले लोग भी है, लेकिन दलित का विरोध करने वाली मेंटेलिटी भी आज भी समाज उच्च वर्णीय समाज में है। लेकिन बाबा साहब ने एक बात बताई है कि हमें समानता होनी चाहिए, हमें इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। हम अगर इसी तरह का विवाद करते रहेंगे तो ये बात अच्छी नहीं है और देश में समानता आनी चाहिए। इसी तरह मैं आज यहाँ आपके बीच में आया हूँ, रेल के लोगों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, अशोक कुमार के साथ भी मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, उनके संबंध मेरे साथ अच्छे है, पर वो कोई बात पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन समाज के नाते हम कहा भी है लेकिन हम आपके साथ हैं। मेरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मुझे मिला है, मुझे दूसरी बार यहाँ मौका मिला है, 5 साल का मुझे मौका मिला है। हम आशा काम करेंगे तो और हमको 5 साल मिलेंगे और अच्छा काम करेंगे तो और 5 साल। ठीक बात है, जो भी लोकतंत्र में जिसको मेजोरिटी मिलती है वो सत्ता पर आती है, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन उस पार्टी ने समाज के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। और मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, मेरी पार्टी है, हमारी पार्टी में बहुत सारे ग्रुप भी होते हैं, लेकिन मैं किसी की निंदा नालोचना ना करते हुए मैं मेरा काम करते रहता हूँ। जो भूमिका मुझे लेनी है उसका मैं स्टडी करता हूँ और हवा कौन सी दिशा से बोल रही है इसको मैं देखता हूँ। और अभी मुझे लोग बोल रहे थे कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, मैं बोला मैं उधर क्या चलूँ, उनकी हालत खराब होने वाली है, मेरे यहाँ जाता था उधर क्या मुझे मिलने वाला था, इसका मतलब मंत्री का विषय नहीं है, मंत्री में नहीं मिल रहा हूँ तो भी मेरा काम चल ही रहा है, मेरे पास लोग आते रहते हैं। वही एमपी नहीं था तभी मेरे पास लोग आते रहते थे, अभी मंत्री बन गया तो और भी ज्यादा लोग आते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मुझे राज्य मंत्री भी क्यों ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मुझे राज्य मंत्री पद दे दिया है। और दूसरे कुछ पार्टियों के शिवसेना के 18 MP है, उनको एक ही मंत्री पद मिला है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आठवले जी का मोदी जी का क्या है, मतलब कैसा आठवले जी ने मोदी जी के साथ कैसे अच्छे संबंध रखे है। तो मैं संबंध सबके साथ अच्छे रखता हूँ, कांग्रेस वालों के साथ मेरे संबंध अच्छे है, क्योंकि कब हवा बदली सर बीएसपी के साथ कैसे संबंध है? जब तक मोदी जी और मेरी चलती रहेगी थोड़ी, तब तक हमारे दोनों की चलती रहेगी। मोदी जी के बारे में तो मुझे बड़ा विश्वास है कि मोदी जी बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं। जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उनके सीएम के बंगले के बाहर कम से कम 6-7 फीट की बुद्धा की मूर्ति है। गांधीनगर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ मंत्रालय के बाहर भी गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो इसी तरह मतलब मोदी जी मानते हैं, कोई टिक्का करे क्या करे करने को, लेकिन मोदी जी बाबा साहब को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं। जब एनडीए ने उनका नाम अनाउंस किया तब उन्होंने संविधान को माथा टेक कर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बाबा साहब के संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, तो वो कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह मुझे लगता है कि ज़्यादा बना लेती हुई और विदेश आने वाले हैं और आप सब लोग रेलवे के निजीकरण के बारे में, निजीकरण ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे पार्टी की भूमिका तो ये है कि मेरे पार्टी का निजीकरण को विरोध रहे, क्योंकि जिस तरह ज्यादा निजीकरण होता रहेगा तब तक हमारा रिजर्वेशन कम होता रहेगा। लेकिन अगर कोई निजीकरण होता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए करना, और अगर प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो वहाँ 51-55% शेयर रेलवे होना चाहिए, तो फिर वहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू रहेगी। प्राइवेट वालों का पैसा लेकर रेलवे को अच्छा सुधारना है, अभी रेल में काफी सुधार हो रहा है, बहुत सारी रेल खास जा रही है और
रेल में बहुत सारी सुविधाएं आ रही है, तो एक अच्छी बात है कि मैंने बहुत सारी रेल ने पूरा देश पूरा कैप्चर कर दिया है और रेल ने पूरा देश कैप्चर कर दिया है और तुम्हारे रेलवे के एसोसिएशन ने पूरा शेड्यूल का शेड्यूल ट्रैक पूरा कैप्चर कर दिया है। और अच्छी बात है या एक यूनियन है, मतलब मेरे पास भी कुछ लोग आए थे झगड़ा बढ़ाने के लिए, मेरे पास कुछ लोग आए थे और ये करो वो करो, मैं बोला कि ऐसा नहीं होता है। अशोक कुमार हरनोटिया जी भैरवा जी ये सब लोग यहाँ के प्रमुख हैं और ऐसा झगड़ा मत करो। और रेल मंत्रालय ऐसा रेल ऑफिसर ऐसा है यहाँ ज़्यादा झगड़ा होता नहीं है, जो झगड़ा करते हैं वो बाहर जाते हैं, नहीं करते हैं वो अशोक कुमार के साथ भैरवा के साथ रहते हैं। मैंने उनको बोला था कि भाई आप ऐसा मत करिए और वो चले गए, वो मुझे मिलते हैं वो मतलब आपको अच्छा काम कर रहे हैं और आपके काम का मैं कौतुक करता हूँ। दूसरे एसोसिएशन में यहाँ से देखे कि अध्यक्ष बदला तो दूसरा बूट होता है, उसको बदला तो तीसरा बूट होता है, तीसरे को बदला तो चौथा बूट होता है। वैसा नहीं होना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसकी इलेक्शन होनी चाहिए और सबने मिलकर एक कमेटी के रूप में काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने हमारा सम्मान किया, इसीलिए मैं आपके एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ और मैं मतलब आप सभी लोगों को देता हूँ मेरे तरफ से शुभकामना। मैं आपके तरफ से देता हूँ आपको शुभकामना और मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना। सामना करने में एक्सपर्ट हूँ, मैं ऐसा मंत्री बोल रहे इसलिए मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। वो आ जाएगा तो मैं करता हूँ सामना और वो आ जाएगा तो मैं देता हूँ शुभकामना। धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।